अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब एक बात तो क्लियर है कि आपको 10th बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे परसेंटेज चाहिए, और अच्छे परसेंटेज लाने के लिए SST का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सो हाय एवरीवन, कैसा आप सभी लोग। माय नेम इज सावन एंड इन टुडेज़ वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू ऑल कि आपको SST के सब्जेक्ट के अंदर अच्छे मार्क्स कैसे लाना है। अब देखो, आज की वीडियो सारे स्टूडेंट्स के लिए है, महाराष्ट्र बोर्ड के। फिर चाहे आप कोई से भी मीडियम से हो, मराठी, सेमी, इंग्लिश, ये वीडियो सबके लिए होने वाली है। मैंने खुद ने लास्ट ईयर महाराष्ट्र बोर्ड एग्जाम्स दी थी और SST के अंदर 97 आउट ऑफ 100 स्कोर किया था। कैसे, वही तो मेन क्वेश्चन है। मैंने 97 कैसे स्कोर कर लिया, वो भी एक थियोरी के सब्जेक्ट के अंदर। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास एक कमेंट आता है कि भैया क्या झूठ बोल रहे हो, SST में थोड़े ना 97 आते हैं। भाई मैं लेके आया हूँ, देखो अगर मैं आपको SST के लिए कोई भी ऐसे 5 टिप्स या फिर कोई एक गाइडलाइंस दूँ, आपको करना क्या क्या है। सबसे पहला पॉइंट है कि आपको अपनी मेमोरी को अच्छा रखना है। SST के अंदर पूरा गेम मेमोरी का है। अगर देखो आपने साल भर टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड किया है, कंसिस्टेंटली SST को अच्छे से पढ़ा है, फिर तो आपके अच्छे मार्क्स कन्फर्म है। और देखो, मैंने पूरे साल भर पढ़ाई भी नहीं की थी, मैंने नवंबर दिसंबर से असली पढ़ाई चालू की थी, सीरियस वाली। ओके, तो अगर आप भी मेरे कैटेगरी के स्टूडेंट्स में आते हो, बिल्कुल भी टेंशन मत लो, आप भी अच्छे मार्क्स स्कोर कर लोगे। लेकिन आपको हर एक चैप्टर क्लियर होना चाहिए आपके माइंड के अंदर, आपका हर एक चैप्टर क्लियर होना चाहिए। अब देखो, आपके हिस्ट्री के अंदर टोटल 9 चैप्टर्स हैं, और पॉलिटिकल साइंस के अंदर 5 चैप्टर्स हैं। सबसे पहले हम हिस्ट्री के 9 चैप्टर्स की बात करते हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा सिंपल चैप्टर्स कौन से हैं। अब देखो, सिंपल चैप्टर्स मतलब आपको उतना ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उन्हें याद करने में। तो देखो, सबसे सिंपल चैप्टर्स में आते हैं चैप्टर नंबर 2, 3, 5, 7। ये जो 4 चैप्टर्स हैं, इनको आप इजीली बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। और देखो, इन चैप्टर्स में से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अच्छे से लिख के आ सकते हो, फिर चाहे वो ऑब्जेक्टिव्स हो या फिर 2 मार्क्स 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन हो। ओके, ये जो 4 चैप्टर्स हैं, ये बहुत ज़्यादा सिंपल हैं आपके एग्जाम के लिए। वहीं पे टफेस्ट चैप्टर्स कौन से हैं। अब देखो, मैं टफेस्ट इस तरह से बोल रहा हूँ कि आपको उनको याद करने में ज़्यादा परेशानी होगी। सबसे पहला चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 6। ये जो 3 चैप्टर्स हैं, इनके स्पेसिफिकली कोई वर्ड्स या फिर कोई टर्म्स को याद करने में ज़्यादा परेशानी आती है। मैंने खुद ने फेस की थी, लेकिन मैंने अच्छे से रीड किया था, बार बार रिवाइज किया था, उसके वजह से मैं उस डिफिकल्टी को ओवरकम कर पाया। अब हम बात करते हैं पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो 5 चैप्टर्स हैं, उनमें सबसे ज़्यादा सिंपल चैप्टर्स कौन से हैं। देखो, अगर मैं आपको सिंपल बोलूँ, पॉलिटिकल साइंस के अंदर सबका डिफिकल्टी लेवल सेम है, लेकिन चैप्टर नंबर 1 और 2, ये जो 2 चैप्टर्स हैं, ये काइंड ऑफ सिंपल चैप्टर्स हैं बाकी के चैप्टर्स से। क्योंकि चैप्टर नंबर 3 पॉलिटिकल साइंस, उसके अंदर आपको सारे डेट्स आपको याद करने पड़ेंगे या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के नेम याद रखने पड़ेंगे। वही भी चैप्टर नंबर 4 के अंदर आपको मूवमेंट्स को याद रखना होगा कि कौन सा मूवमेंट किस प्रॉब्लम की वजह से रेज हुआ था या फिर उनका लीडर कौन था। उसी तरह से आपका जो चैप्टर नंबर 5 है, वो भी एक तरह से सिंपल ही चैप्टर है, लेकिन आपका जो चैप्टर नंबर 3 और 4 है, ये थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट हैं, आपको ज़्यादा अच्छे से इनके ऊपर फोकस रखना होगा। वही भी अगर हम हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस की बात करें, इनके अंदर आपके ऑब्जेक्टिव्स एकदम क्लियर होने चाहिए। आपके टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, सबको खत्म कर दो, सबको पढ़ के एकदम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि उनमें से ही ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपने टेक्स्ट बुक को अच्छे से रीड किया है, आप ऑब्जेक्टिव्स तो एकदम ईजिली लिख के आ जाओगे। ओके, अब देखो, बहुत सारे स्टूडेंट्स एक बात बोलते हैं कि भैया हिस्ट्री तो कितना ज़्यादा बोरिंग सब्जेक्ट है, याद ही नहीं होता है कुछ भी, क्या फ़ायदा हिस्ट्री को पढ़ के। देखो भाई, सिर्फ 3 दिन की बात है, 3 दिन के बाद में आपको हिस्ट्री को देखना भी नहीं है। एक बार आपकी एग्जाम हो गई, उसके बाद में हिस्ट्री क्यों ही करना है आपको। ओके, लेकिन तब तक ये 3 दिन के अंदर हिस्ट्री को एकदम जी जान लगा के एकदम अच्छे से पढ़ना है आपको, और एग्जाम के अंदर अच्छे मार्क्स डेफिनेटली लाने हैं। अगर आपको मेरा ये वाला पॉइंट क्लियर है, अभी के अभी कमेंट करो, आई एम रेडी टू क्रैक हिस्ट्री एग्जाम स्मार्टली। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है और अपने एग्जाम को लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है। ओके गाइज, आपको अभी का भी कमेंट करना है, आई एम रेडी टू क्रैक हिस्ट्री एग्जाम स्मार्टली। वहीं पे अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, आपके हिस्ट्री के पेपर के अंदर पेपर प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आपको आंसर लिखना आना चाहिए, भले ही आपने कितने भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े हो, कितना भी रिवीजन किया हो या फिर कितने भी नोट्स, कितने भी डाइजेस्ट 921 सेट को कितने भी पढ़ा हो, अगर आपको आंसर लिखना नहीं आ रहा है, आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि पेपर के अंदर आंसर प्रेजेंटेशन, आंसर फॉर्मेशन आपको बहुत ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। लेकिन वो कैसे इंप्रूव होगा, अगर मैं आपको अभी के अभी पॉइंट्स बताऊं, सबसे पहला पॉइंट रहेगा कि अपनी हैंडराइटिंग को अच्छा रखना। वहीं पे आपको जो आंसर रहेगा, उसको आपको पॉइंट वाइज लिखना है, पैराग्राफ के अंदर आंसर मत लिख के आना, आंसर को पॉइंट वाइज लिखना है। और आपके स्टार्टिंग के जो भी 2 से 3 पॉइंट्स रहेंगे, उनको बहुत अच्छे से लिखना, और आपको सारे के सारे मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है।
आपको सारे मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है, फिर जाके आपका पेपर प्रेजेंटेशन वो काफ़ी अच्छा लगेगा। देखो इसके पीछे एक साइकोलॉजी भी है, अगर आपने आंसर लिखा है और उसके अंदर 3-4 मेन कीवर्ड्स को अंडरलाइन किया है, जो एग्जामिनर रहेगा उसको समझ में आएगा कि भाई इसने पेपर अच्छे से लिखा है, ये पढ़ क्या है, इसको इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स भी पता है, तो इसके मार्क्स मैं दे देता हूँ, और आपके जो भी सिली मिस्टेक्स के मार्क्स रहेंगे उनको भी वो अवॉइड कर देगा अगर आप इस ट्रिक को यूज़ करके जा रहे हो। आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर एक चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है, डैट इज़ फ्लो चार्ट्स, डायग्राम्स, वेब डायग्राम्स। ये जो 3-4 पॉइंट्स हैं इनको तो आपको एकदम अच्छे से करके जाना है, पूरे टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के जितने भी फ्लो चार्ट्स हैं, वेब डायग्राम्स हैं, उनको अच्छे से करना। वही पे आपके टेक्स्ट बुक के अंदर से जितने फ्लो चार्ट्स और वेब डायग्राम्स हैं उनको आपको एकदम अच्छे से करके रखना है, क्योंकि देखो वो 2 मार्क्स के लिए भी आते हैं पॉलिटिकल साइंस के अंदर भी, वही पे आपके हिस्ट्री के अंदर तो 4 मार्क्स के लिए आते हैं। इसीलिए आपको उस लेवल से खुद को प्रिपेयर रखना होगा कि आप हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड हो, समझ गए ना। अब देखो आज की इस वीडियो में मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस बता दिए कि आपको कौन से चैप्टर को किस तरह से प्रिपेयर करना है और पेपर को किस तरह से प्रेजेंट करके आना है, लेकिन कल आने वाली है फुल रोड मैप वीडियो। आपके जो लास्ट के 2 दिन है उनके अंदर हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस को किस तरह से आपको पढ़ना है, वहीं पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए भी वीडियो आने वाली है। एंड यस गाइस, अगर आपको आइडिया चाहिए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के पेपर के अंदर, जाके POIQs को चेकआउट करो, उन्हीं टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम के अंदर भी आते हैं। ओके, समझ गए ना। अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए वीडियो चाहिए अभी के अभी कमेंट करो, यस वी वांट वीडियो फॉर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। मैं समझ जाऊंगा कौन कौन इस वीडियो को यहाँ तक देख रहा है। और हाँ गाइस, अगर हो सके तो अपने को 25 मार्च से पहले 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, वो आपके बिना पॉसिबल नहीं है। अभी कभी शेयर करो अपने सारे फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।